जैसा कि आपने पहले वाली वीडियो में देखा था कि ग्राउंड फ्लोर का सीढ़ी हम लोग टॉयलेट तोड़ के और सीढ़ी बनाए थे। अब ये फर्स्ट वाला फ्लोर है, इसमें टॉयलेट तोड़ के सीढ़ी बनाएंगे। तो सबसे पहले हम लोग ये इधर जो शावर है ग्लास वाला लगा हुआ था वो निकाल दिया, इधर वो बेसिन लगा हुआ था रेडीमेड ये भी निकाल दिया, दोबारा काम में लेंगे इसको अगले बाथरूम में। टाइल नीचे से तोड़ना शुरू कर दिए, जैसे पहले वाले भी वीडियो में बताया था कि टाइल जब भी तोड़े तो नीचे से तोड़े तो आसानी रहती है, कचरा गिरता है तो नीचे गिरता है। ये वाशबेसिन बाहर निकाल दें क्योंकि दोबारा लगाएंगे ना, क्योंकि दोबारा बाथरूम बनाएंगे साथ में। तो बाथरूम का जो इधर हॉल वाला दीवार था ये पूरा तोड़ के पूरा खुला हो गया ना, क्योंकि रास्ता चौड़ा चाहिए ना जाने के लिए। पहले तो रूम के अंदर था उसका दरवाजा, अभी ये हॉल में हो जाएगा सीढ़ी का दरवाजा, ये अभी पूरा हो गया। बाथरूम के अंदर जो दीवार थी पेचिस वाली वो तोड़ दिए, और दूसरी जो दीवार है ये है रूम वाली साइड की, इसमें जो इधर से रास्ता था रूम में टॉयलेट का, अभी ये दीवार पूरी तोड़नी पड़ेगी क्योंकि बाथरूम का साइज जो है ना वो बड़ा है, तो इसको नीचे वाली दीवार के सेम करना पड़ेगा ना। इसलिए वैसे भी यहाँ ये सीढ़ी मैंने 40 सेंटी ज्यादा जगह मिलेगी, 2 मीटर 40 हो जाएगी। नीचे वाली सीढ़ी 2 मीटर थी, ये 2 मीटर 40 रहेगी। और ये दीवार देखिए आप किस तरह तोड़ रहे हैं, हम लोग नीचे से ना, नीचे से पहले तोड़ते हैं तो बाकी आसानी से गिरते हैं, ताबुक हल्का हल्के चोट मारने से गिर जाते हैं। लेकिन बस थोड़ा फोड़ी काम में जो है ना कचरा बहुत ज्यादा होता है, टाइम लगता है। और इंशाल्लाह ये हो गया, थोड़ा फोड़ी का भी सफाई करके और काम शुरू करेंगे। ये देखिए रूम वाली साइड से कुछ इस तरह से दिखता है, रूम का पूरा दीवार तोड़ दिया है और अंदर का भी दीवार टूट गया है, जो टॉयलेट के अंदर वाला दीवार था वो भी थोड़ा टूट गया। और ये आ गया छत है, अभी आपको जितना चौड़ा करना है 2 मीटर 40 सेंटी है ना, तो उसके हिसाब से ये छत ऊपर से लादिन निकाल लिए, जो टाइल लगा हुआ था वो निकाल दिया। अभी वाटर प्रूफ नजर आ रहा है, वाटर प्रूफ तोड़ के फिर कॉन्क्रीट तोड़ना शुरू करेंगे क्योंकि नया काम है, टाइट ज्यादा है। देखिए थोड़ा कंक्रीट टूटा, ये कंक्रीट कौन सा है, स्लूप वाला कंक्रीट, इसके नीचे स्लेब का कंक्रीट आएगा। देखिए ये स्लेब का कंक्रीट है और 20 सेंटी कंक्रीट किया हुआ है इसका, जो स्लेब का बाथरूम का जो कंक्रीट का जो थिकनेस है ना 20 सेंटी है। ये देखिए अंदर से कुछ इस तरह से लगता है और अभी थोड़ा टूटा है और पूरा इंशाल्लाह टूट जाएगा थोड़ी देर में। और साथ में ना ये दीवार वाला भी पत्थर हम लोग निकाल रहे हैं क्योंकि इधर ये सीढ़ी रूम हो जाएगा तो पत्थर रूम के अंदर, सीढ़ी रूम के अंदर अच्छा नहीं लगेगा, इसलिए प्लास्टर करना पड़ेगा। और ये आधा तक टूट गया इसका छत, ये देखिए बिस्मिल्लाह माशाल्लाह पूरा छत टूट गया है। और ये जो आप देख रहे हैं ना, ये जो उधर जो छत का हम लोग लादी तोड़े हैं, ये इधर अभी एक एक फ्लोर बनना है, इधर थर्ड फ्लोर जो है ना ये बनना है, बीच में डूम है ये भी टूटेगा। और ये ऊपर से कुछ इस तरह से नजर आता है टूटे टूटने के बाद में। और ये भी जो इनका सरिया जो स्टील है ये काटना शुरू कर दिया है क्योंकि ये गैस बिल्डिंग से काट रहे हैं ना, क्योंकि ये ग्रेंडर से काटते हैं लगने का डर रहता है बहुत, काफी स्टील है ना, तो ये पूरा गैस बिल्डिंग से ही काटते हैं, आसानी से जल्दी कट जाता है देखिए, और इसमें खतरा भी नहीं रहता है, डेंजर नहीं रहता है सिस्टम ही। और इधर थोड़ा सा स्टील छोड़ दिया, बाकी वो सीढ़ी वाले जो रैंप आएगा उसके अंदर वो काम आ जाएगा। ताबुक का दीवार इधर जो करना है ना वो अभी शुरू करेंगे। इधर ये दीवार ये रूम के अंदर से कुछ इस तरह से दिखता है, पहले वाला दीवार अलग था, अभी ये दीवार थोड़ा सा उधर खिसका है, जो आपको बीम नजर आ रहा है ऊपर पहले दीवार इधर था, अभी 40-50 सेंटी उधर हुआ है देखिए। और अभी ये सीढ़ी का काम शुरू कर दिए हैं और बीच का जो इसका रैंप है, रैंप का जो जो रमना आता है उसका लेवल करके रमने की जगह सीधा कर लिए। ये देखिए स्लोप वाला भी स्टार्ट हो गया मार्किंग करके, 40 सेंटी नीचे वाली सीढ़ी से बड़ा हो गया देखिए बिस्मिल्लाह माशाल्लाह, एक रैंप हो गया, दूसरा रैंप कर जा रही है। और ये देखो स्टील हमने थोड़ा बाकी छोड़ दिया था इधर, वो उसके अंदर काम में आ जाएगा ताकि सीढ़ी मजबूत हो जाएगी। ऊपर जो है ना जब हम लोग लादी तोड़े थे इधर जगह थोड़ा सा अच्छा नहीं था, बराबर सेटिंग नहीं होता, इसलिए पलाई मार के इसका इधर थोड़ा कंक्रीट ढलाई कर देंगे तो थोड़ा सीधा हो जाएगा। देखिए सीधा हो गया ना, अभी काम देखने में भी अच्छा लग रहा है, करने में भी अच्छा हो जाएगा। साथ में नीचे नीचे झिरी मारनी पड़ रही है ताकि स्टील पूरा अंदर चला जाए, देखिए स्टील पूरा अंदर जा रहा है उसके अंदर क्योंकि झिरी मारी थी वो, इधर तो पूरा पुराना वाला स्टील में भी आ जाएगा, बीम में चला जाएगा स्टील तो मजबूत हो जाएगा। सीढ़ी का स्टील में लाजम कैंची मारना चाहिए, नीचे वाला स्टील ऊपर, ऊपर वाला स्टील नीचे, ताकि ये मजबूत हो जाए, काफी अच्छे तरीके से किया है इसका। बाकी तो पुराना वाला स्टील भी है और बाकी नया वाला भी इसके अंदर से चला गया तो मजबूत हो गया है। टपा वपा भी लगा दिया है नीचे का पूरा, पंप भी आ गया, कंक्रीट शुरू करेंगे इंशाल्लाह। और सीढ़ी का कंक्रीट जब भी पंप से करो तो पहले टाइट मसाला है ना वही डलवाना है, इसमें लूज मसाला कभी भी नहीं डालना। देखिए टाइट मसाला डालोगे जितना जल्दी सीढ़ी आपका रेडी हो जाएगा, पहले नीचे से लगा के लेके आ जाओ, साथ साथ में वाइब्रेटर मार के आ जाओ। पूरा कंक्रीट डालने के बाद में वाइब्रेटर कभी भी नहीं मारना, जैसे जैसे थोड़ा थोड़ा कंक्रीट डालो उस हिसाब से वाइब्रेटर मारो। देखिए बिस्मिल्लाह माशाल्लाह नीचे से पूरा बराबर करके आ गए डाल के, और मोटा मोटा डाल के आ रहा है, बाद में एक आदमी पीछे से वो रेडी करके लेके आएगा। ये अपना सीढ़ी रेडी हो गया है, तो दूसरा फ्लोर का भी रेडी हो गया है बिस्मिल्लाह माशाल्लाह। तो भाई साहब इसकी फिनिशिंग कुछ ये तस्वीरें आई, इसकी वीडियो आगे इंशाल्लाह आएगी। और कोई वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना, और नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में।